जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने निजी कावड़ों का हवाला देकर पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह पार्टी ने राजीव रंजन को राष्ट्रीय प्रवक्ता बनाया। बता दें कि पार्टी के महासचिव आफाक अहमद खान ने लेटर जारी कर इसकी जानकारी दी। लेटर में लिखा है कि जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार ने राजीव रंजन प्रसाद को राष्ट्रीय प्रवक्ता के पद पर नियुक्त किया है। केसी त्यागी ने निजी कावड़ों से इस्तीफा दे दिया है। दरअसल पार्टी भले ही इसे निजी कावड़ से दिया गया इस्तीफा बता रही हो, लेकिन राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि जेडीयू के एक लंबे समय से प्रमुख चेहरा रहे केसी त्यागी के हालिया बयानों के कारण उन्हें इस्तीफा देना पड़ा। ये भी चर्चा है कि अग्निवीर समेत विभिन्न योजनाओं और मुद्दों पर उन्होंने सवाल उठाए थे जो पार्टी के आधिकारिक लाइन से अलग थे। उन्होंने कई मौकों पर पार्टी नेतृत्व और वरिष्ठ नेताओं से परामर्श किए बिना बयान जारी किए। इस कारण पार्टी और उसके घटक दल भाजपा में नाराजगी है। अपने निजी व्यस्तता के कारण मैं पार्टी के प्रवक्ता के पद के साथ न्याय नहीं कर पा रहा हूं, लिहाजा आज मुझे इस जिम्मेदारी से मुक्त करने का कष्ट करें। हालांकि मैं समय समय पर बिहार सरकार की उपलब्धियों के लिए प्रचार प्रसार के लिए हमेशा उपलब्ध रहूंगा।